हेलो दोस्तों, सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जो अंग्रेजी के शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द हैं, उन सभी को जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पटवारी हुआ, जैसे जिस भी एग्ज़ाम में आए होंगे, मैं आपको सभी को बताऊँगा कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सा आया है। तो बताइए दोस्तों, पहला कि संस्तुति शब्द का अर्थ अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है, इसमें बताना है आपको कि संस्तुति का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है रिकमेंडेशन, और बाकी का सबका देख लेना, एडमिशन का, प्रवेश, इन सभी का आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा अपना क्वेश्चन है कि सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा गया है, तो आप बताइए इनमें से गलत कौन सा है। ऑडिट, लेखा परीक्षक, सप्लीमेंट्री पूरक, सीनियर कनिष्ठ, और अकाउंटेंसी लेखावेदी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीनियर का अर्थ क्या होता है और जूनियर का अर्थ क्या होता है, तो ये गलत है दोस्तों। सीनियर और कनिष्ठ, सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ और जूनियर का अर्थ होता है कनिष्ठ। फिर है अंग्रेजी शब्द के सामने सही समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है, तो इसको बताना आपको। तो दोस्तों, सर्वे, सर्वेक्षण, फ्रीक्वेंसी, अनुक्रिया, इकोलॉजी, परिस्थिति की, और कस्टडी होती है विरक्षा। तो दोस्तों, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और अनुक्रिया को बोलते हैं रेस्पॉन्स, ठीक है दोस्तों, ये इसका रियल आंसर है। कूटकर्म का सही अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या होगा दोस्तों, बताइए। फ्रस्ट्रेशन, फॉरेजरी, फॉरेन एक्सचेंज, और प्रोसीडिंग। तो इसका दोस्तों आपको पता है कि फ्रस्ट्रेशन तो तनाव होता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन तनाव या निराशा दोनों में कुछ भी आ जाए। तो फॉरेजरी का अर्थ होता है दोस्तों कूटकर्म, बाकी फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा हो गई, प्रोसीडिंग हो गई कानूनी कार्यवाही, ठीक है। किस क्रम में सही मेल नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि किस क्रम में सही मेल नहीं है। इनका दोस्तों मैंने सभी का सही कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिए, मैंने सभी सही किया है इसका। स्टिपेंड, मजदूरी गलत था इसमें, स्टिपेंड का मतलब होता है वेतन और मजदूरी होती है लेबर दोस्तों, ठीक है। सेवन क्वेश्चन अपना अवॉइड शब्द का हिंदी शब्द पूछा था वो दोस्तों। तो दोस्तों, अवॉइड का क्या होता है, इंग्लिश मत देखना एक बारी, इसको आंसर को ही देख लेना, हिंदी अर्थ, वर्जन करना, स्वीकार करना, अहित और प्रशंसा करना। तो इनमें अवॉइड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वर्जन करना, और बाकी मैंने सबकी इंग्लिश बता दी है, तो इसको देख लेना, अहित इंजरी होती है दोस्तों, ठीक है। एट का क्वेश्चन है कि ट्रिब्यूनल जो शब्द है उसका हिंदी समकक्ष क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन था आपके पास, पटवार 2011 में पूछा गया है। तो दोस्तों, ट्रिब्यूनल का अर्थ होता है अधिकरण, मैंने इसके सब क्वेश्चनों को हिंदी अर्थ बता दिया है और इंग्लिश भी बता दी है। न्यास ट्रस्ट होता है, विभाग, पोर्टफोलियो होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोर्टफोलियो याद रखना। उचित मेल नहीं है, तो कौन सा इनमें से उचित मेल नहीं है ये देखिए, पेएबल होता है देई, रिमूवल होता है निष्कासन, और सरप्लस होता है अधिशेष, और वैलिड होता है विधिमान। मैंने इन सभी को मेल कर दिया है दोस्तों, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। इसका था कि अनपेड, जो अनपेड होता है वो होता है अवैतनिक, इन ये क्वेश्चन था कि अनपेड का अर्थ होता है वेतनिक, तो ये गलत था इसमें, तो इसका अर्थ मैं बता दिया हूँ। गारंटी हिंदी समकक्ष है, गारंटी का अर्थ क्या होता है हिंदी में बताना, लाभ, अनुतोषित, आदेश, निर्वाह भत्ता। तो इसमें दोस्तों मैंने सबका इंग्लिश बता दिया है, तो आप, आपके पास ओनली हिंदी ही थी, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इग्नोरेंस हिंदी शब्द होगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मना करना, मनपसंद, जानकारी और अनभिज्ञता, ये ऑप्शन में थे चारों। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, रिफ्यूज़ का होता है मना करना, और फेवरेट का अर्थ होता है मनपसंद, और इन्फॉर्मेशन जानकारी होती है, और इग्नोरेंस जो बचा था उसको हम अनभिज्ञता बोलते हैं दोस्तों। तो इसका अर्थ यही था, सही नहीं है। इनमें से सही कौन सा नहीं है बताइए, एकेडमी, शैक्षणिक, एक्विजेशन, अभियोग, कमांडेंट, अनुपयोगी, और सैलरी होती है फंड। मैंने इसको आपको पहले ही मेल कर दिया है दोस्तों, इसमें ये पहले अनसुलझे थे, मतलब अलग अलग तरीके से थे। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है दोस्तों भविष्य निधि, क्या होता है प्रोविडेंट फंड का, भविष्य निधि। फिर है डिफेक्टो हिंदी शब्द होगा, डिफेक्टो का हिंदी शब्द क्या होगा, ये भी पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, डिफेक्टो का अर्थ होगा, क्या होता है डिफेक्टो का, वास्तविक, और बाकी सभी को मैंने इंग्लिश बता दी है, वीकनेस कमजोरी होती है, फैक्चुअल तथ्यात्मक, और डिक्रीज होती है कमी। तो दोस्तों इनको याद रखना, डिफेक्टो का अर्थ होता है वास्तविक। फिर है ब्रोंचोर हिंदी शब्द होगा, इसका हिंदी शब्द क्या होगा, आयव्यय, सूची, बजट और वितरणिका। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आयव्यय को अंग्रेजी में इनकम एक्सपेंसिव बोलते हैं, सूची को कैटालॉगी बोलते हैं, बजट इंग्लिश का वर्ड है, और ब्रोंचोर को बोलते हैं विवरणिका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, विवरणिका। विस्थापित का अंग्रेजी समकक्ष शब्द है,
विस्थापित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बताना है आपको, डिस्प्लेस्ड, डिसबैंड, डिस्पोजल और डिस्क्लेम। तो आपको मैंने इसको सभी को हिंदी अर्थ बता दिया है दोस्तों। डिस्प्लेसेड का विस्थापित होता है, याद रखना। डिसबैंड होता है तोड़ना, छिन्न भिन्न करना। डिस्पोजल का निष्कासन, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेम, अस्वीकार करना, ठीक है। अनेनिमिटी हिंदी शब्द है, इसका हिंदी शब्द क्या होगा, साम्यता, मतैक्य, एकता, अनेकता। तो दोस्तों इसकी मैंने सबकी बता दी है कि साम्यता को इक्विलिटी कहते हैं और मतैक्य जो है उसको बोलते हैं अनेनिमिटी, ठीक है। और डाइवर्सिटी होती है अनेकता और यूनिटी होती है दोस्तों एकता, ठीक है, इनको भी याद रखना। फिर है अपना पास 17 प्रोसिक्यूट हिंदी शब्द का होगा। प्रोसिक्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों, अभियोग चलाना, उपबंध, व्यवस्था करना, अनुसरण। मैंने सभी का इंग्लिश बता दिया है। तो अभियोग चलाने का अर्थ होता है दोस्तों प्रोसिक्यूट करना, ठीक है। प्रोविजनल का अर्थ होता है दोस्तों उपबंध करना। मिनिस्टर का मतलब है व्यवस्था करना। और परस्यूएंस का होता है अनुसरण करना, ठीक है। तो बताना आपको लीगल हिंदी पारिभाषिक शब्द है, मतलब लीगल का अर्थ क्या होता है, वैध, उचित, न्यायपूर्ण और अच्छा। तो दोस्तों मैंने इसका भी सभी का अर्थ बता दिया है कि लीगल को आप वैध बोल सकते हो। एप्लीकेबल का मतलब होता है उचित, और राइटफुल का मतलब न्यायपूर्ण, और अच्छा का तो आप जानते होंगे तो वो होता है दोस्तों। अब बताना आपको बेबिलियोग्राफी हिंदी शब्द है। बेबिलियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मकथा, संदर्भ ग्रंथ क्रम और संदर्भ ग्रंथ सूची। तो दोस्तों इसकी बता दूं मैं आपको कि जो बेबिलियोग्राफी है तो वो होता है दोस्तों संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है। ग्रंथ क्रम होता है दोस्तों बुक ऑर्डर, संदर्भ होता है रेफरेंस, और ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, स्वयं की लिखी हुई कथा, ठीक है। अब बताना आपको ऑथेंटिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑथेंटिक का हिंदी शब्द क्या होता है, प्रमाणिक, प्रमाणित, सही और सौंदर्य युक्त। ये हिंदी में थे, अब मैंने सबका इंग्लिश कर दिया है इनका। ऑथेंटिक का होता है प्रमाणिक, अकॉम्प्लिसेड का होता है दोस्तों प्रमाणित करना। दोनों का अर्थ देखना, इसमें कह है और इसमें तय है, ध्यान से। राइट का सही होता है, ब्यूटीफुल का सौंदर्य युक्त। ऑथराइज का हिंदी शब्द क्या होगा दोस्तों, ऑथराइज का तो आपको बताना है प्राधिकार करना होता है, अधिकार योग्य या नियुक्त करना या अधिकार करना, इनमें से क्या होगा। आपको इंग्लिश मत देखिए, इंग्लिश मैंने सबकी बता दी है आपको। तो इसका देखो, ऑथराइज का होता है दोस्तों प्राधिकार करना, और बाकी ये सभी राइट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल जाएगी इस पर, तो आप पटवारी, राजस्थान पुलिस, इनकी आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। एसआई के भी, एसआई के पेपर सोल है दोस्तों इनको, तो आगे मैं इसी के